हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम 9 नंबर का प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम है बैकग्राउंड कलर टॉगल, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, हमें डेवलप अ पेज वेयर द बैकग्राउंड कलर चेंज ऑन माउस क्लिक, ठीक है। एक पेज बनाना है जहाँ पर हम क्लिक करने के बाद वो हमारा जो पेज का बैकग्राउंड कलर रहेगा वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हाउ यू कैन यूज क्लिक इवेंट टू साइकिल थ्रू डिफरेंट बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो हमें क्लिक इवेंट को यूज करना है डिफरेंट बैकग्राउंड कलर को, साइकिल को, ठीक है। एक क्लिक करना, दूसरे दूसरे क्लिक करना, तीसरे इस टाइप का, ठीक है। आई फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं और अपने कोड एडिटर में चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते बनाना। तो मैं अपने कोड एडिटर में आ चुका हूँ, ऑल चेट, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा है, तो हमें एक पेज बनाना है। तो पेज बनाने के नॉर्मल डॉट पेज दूंगा, ठीक है, इतना ही। और एक आईडी भी इसमें रख दूंगा सेम पेज नाम का, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक ही पेज का है, बट इसमें मैं 2 पेज बनाऊंगा, क्यों तो आपको लास्ट में पता चल जाएगा जब हमारा पहला पेज कंप्लीट होगा। तो और कुछ नहीं, और थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग कर देते हैं, स्टाइल टैग के अंदर में इसको इंटरनल सीएसएस कहते हैं, जो हम एचटीएमएल फाइल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेज को सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है, डॉट पेज, देन मिनिमम हाइट, डायरेक्ट मैं इसको हाइट दे देता हूँ, नॉट मिनिमम हाइट, ठीक है, हाइट 100 VH, बैकग्राउंड कलर ब्लू, थोड़ा ब्लू को मैं चेंज करना चाहूँगा यहाँ पर, कौन सा ब्लू, आई थिंक ये भी सही रहेगा, ठीक है। तो इसको ब्राउजर में देख लेते हैं, ओपन कर लाइव सर्वर की मदद से। तो हमारा पेज ओपन हो चुका है और अच्छा दिख रहा है कलर भी, ठीक है। यहाँ पर 2 खुलते हैं टैब, मैं इसको एक ही खोलूँगा एंड इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है। देन मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज कर ही लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग देखेंगे ब्राउजर पे मार्जिन पैडिंग रहता है पहले से, तो वहाँ से उसको हटा देते हैं, तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, ठीक है। जल्दी से हटा देता हूँ एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, सॉरी कंट्रोल जेड, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, देख रहे हमारा जहाँ जहाँ गैप था वहाँ हट चुका है। एंड आप लोगों ने देखा मैंने 2 पेज बनाए, बट क्वेश्चन ने एक ही पेज, क्वेश्चन में डिस्क्राइब एक ही पेज किया था, तो मैंने दूसरा पेज क्यों बनाया वो यहाँ पर भी डिस्क्राइब कर ही देता हूँ, ठीक है। तो एंड कलर मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, तो मैं कलर कौन सा रखूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कलर होना चाहिए, ठीक है, आई थिंक डिफरेंट है, थोड़ा सा है, बट थोड़ा और इतना ही नहीं, कंट्रोल एस एंड दोनों के अंदर एक टाइटल हेडिंग रख देता हूँ, ठीक है, H1 के अंदर लिख देता हूँ फर्स्ट पेज, ठीक है। एंड H1 को थोड़ा सा स्टाइलिंग ज़्यादा ना, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज एंड फॉन्ट साइज 4, ठीक है। तो फर्स्ट पेज एंड सेकेंड पेज वेर इज आवर सेम, इस H1 को कॉपी करूँगा, कॉपी को कर यहाँ एक बना ही लेता हूँ, H1 कोई बड़ा काम नहीं है, एंड सेकेंड पेज, ठीक है, फर्स्ट पेज एंड सेकेंड पेज बन चुका है। तो नॉर्मली हमने पेज बना लिया, चलते जावास्क्रिप्ट की तरफ, जावास्क्रिप्ट तो चलते, अब इसमें हम जावास्क्रिप्ट को ऐड करते और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करते, ठीक है। तो बॉडी के नीचे आकर मैं स्क्रिप्ट टैग दूंगा, स्क्रिप्ट, ठीक है, उसके अंदर मुझे सबसे पहले पेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्स पेज, मैं यहाँ पर हमारा 2 पेज है तो मैं डिस्क्राइब करता हूँ, फर्स्ट पेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, सॉरी डिकोड यू आर नॉट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारा आईडी है फर्स्ट पेज का हैशटैग, सॉरी आईडी इसलिए हैशटैग एंड पेज, वो आईडी है, आईडी मैंने क्वेरी सेलेक्टर यूज नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर एलिमेंट बाय आईडी किया है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर नाम देना पड़ेगा उस आईडी का, ठीक है। तो दूसरे पेज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर पेज, ओ सॉरी सेकेंड पेज, PAGE एंड ID पेज 2, ठीक है। तो दोनों सिलेक्ट हो चुका है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक एरे बनाऊंगा जिसमें डिफरेंट कलर का नाम होगा, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा याद नहीं, फिर भी मैं यहाँ पर गूगल पे कलर का नाम सर्च करूँगा और यहाँ से मैं वो पेस्ट करूँगा, ठीक है। कलर नेम्स एंड यहाँ पर ब्लैक, ग्रे, बहुत सारा नाम आ चुका है। देन हम यहाँ पर एक एरे बनाएंगे, कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट कलर, सो CONST कलर एरे,
कॉलर एरे एंड ई, ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स है। उसके बाद मुझे सब बी एल यू ई बी एल एस सी के, ठीक है, कलर को डिस्क्राइब करने पर कैपिटल स्मॉल कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको जैसे भी डिफाइन कर दे ये काम करेगा ही। देन रेड, तो मैं यहाँ से जल्दी से कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं इसमें इतना ही कलर ध्यान देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा कलर बट इतना ही कलर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो अब इस कलर को हम यूज़ कैसे करें, ठीक है, चलते अपने यहाँ पर पेज पे आते हैं, ये हमारा पेज है, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँ या यहाँ पर कहीं पे क्लिक, एक क्लिक पे जो हमारा ये नॉर्मल कोई कलर है पर्पल लाइट है अभी, ठीक है, देन रेड कलर आ जाना चाहिए। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन कलर सॉरी बैकग्राउंड कलर चेंज कैपिटल सी चेंज, ठीक है, एंड यहाँ पर सिंटेक्स फंक्शन बनाने का इस टाइप का, एंड इसको कंप्लीट कर लिया। बट यहाँ पर आई थिंक इसके कारण एफ यू एन ओ फंक्शन का स्पेलिंग हमने गलत लिख दिया, ठीक है, और कुछ यहाँ पर गलत नहीं है। तो जो हमने पेज को सिलेक्ट किया है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर पेज पी ए जी ई सॉरी मैं यहाँ पर फर्स्ट पेज मैंने यहाँ पर दिया था फर्स्ट पेज डॉट एस टी वाई स्टाइल डॉट बैकग्राउंड बी एस सी जी आर ओ यू एन डी इक्वल टू सबसे पहले रेड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एंड हम पेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो सेम फर्स्ट पेज डॉट एड इवेंट लिस्ट नॉट, और यहाँ पर हमें क्लिक इवेंट लगाना है एंड इसको यूज़ करना है क्या, जो हमने फंक्शन अभी बनाया है, फंक्शन क्या बनाया है कलर सॉरी बैकग्राउंड कलर चेंज, ठीक है, इस टाइप का। देन हम देखेंगे यहाँ पर क्लिक करने का रेड कलर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, क्लिक आ चुका है, ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर मैनिपुलेट करना है रेड ऑरेंज ब्लू इन सब कलर, तो वो कैसे करें, ठीक है, तो एरे है तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है, तो कलर सी ओ यू एन टी काउंट इक्वल टू जीरो जीरो, ठीक है, देन हम यहाँ पर अगर मैं जो हमारा एरे है, ठीक है, उसका इंडेक्सिंग को काउंट करें यहाँ पर कलर एरे, ठीक है, एंड जीरो, देन यहाँ पर क्लिक करने के बाद काम कर रहा है, तो हम इसको यहाँ पर कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी सेम काम करेगा, क्लिक करने के बाद आ जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू भी जीरो है। देन इसका वैल्यू हम यहाँ पर आके इंक्रीज कर देंगे कंट्रोल वी एंड प्लस प्लस, ठीक है, इतना करने पर वैल्यू इंक्रीज होगा, देखेंगे एक बार क्लिक करने पर रेड ऑरेंज ब्राउन पिंक येलो ग्रीन मीन्स जितना हमने कलर डिफाइन किया है सब कलर यहाँ पर आएगा, बट लास्ट में जाके ये रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ आ चुका है जितना भी काउंट होगा वहाँ लास्ट तो आ चुका है, उसका ये काउंट बढ़ता ही जाएगा, और मान लीजिए 15 है, ठीक है, 15 का 16 है, 16 पे यहाँ पर डिफाइंड नहीं है इसलिए ये ब्लैक पे आकर रुक जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पर क्लिक करें रुके कहीं नहीं, फिर से ये रिडायरेक्ट हो जाए, फिर से रेड मीन्स 0 1 2 3, तो नॉर्मली हम इसमें करेंगे क्या इक्वल टू, ठीक है, तो कलर काउंट है हमारा, ठीक है, तो कलर काउंट प्लस वन क्योंकि हमें इसको इंक्रीज भी कराना है, देन इसको एक ब्रैकेट के अंदर में रख देंगे, सही है, एंड देन यहाँ पर हम मॉडुलस में डिवाइड करेंगे, किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, जो हमारा कलर एरे उसका लेंथ है, ठीक है, सॉरी एल ई एन जी टी एस एन, ठीक है, सो इससे होगा क्या, देखिए ये वन है, ठीक है, वन डिवाइडेड बाय कलर डॉट लेंथ मान लीजिए 15 है, वन डिवाइड 15, तो इसमें डिवाइड तो नहीं होगा बट इसमें रिमाइंडर आएगा, सो हम यहाँ पर जो मॉडुलस डिवाइड कर ले इसको मॉडुलस कहते हैं, इसमें सिर्फ रिमाइंडर वैल्यू लेगा, तो 1 डिवाइड बाय 15 तो रिमाइंडर 1 आएगा, 2 डिवाइड बाय 15 2 3 4 5 15 तक आएगा, 15 आ जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, फिर से ये काउंट स्टार्ट कर देगा 1 2 3 4 इस टाइप का। यहाँ पर देखेंगे मैं यहाँ पर क्लिक करता जाऊँगा, जो हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है क्लिक करता जाऊँगा कहीं भी नहीं रुकेगा, जहाँ जहाँ ये वहाँ वो काम करता ही रहेगा, देखो देख रहे कहीं पे नहीं रुक रहा है, मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ, बट इफ़ ये कंडीशन नहीं था तो यहाँ ब्लैक में आके रुक जा रहा था, तो ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कंप्लीट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, प्रोजेक्ट में इतना ही हमें इसमें डिफाइन करने को कहा गया था, ठीक है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड करना जाएंगे क्या, तो हमने सेकेंड पेज बनाया, ठीक है, उसको इससे यहाँ और अच्छे से यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ये तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया, थोड़ा इसको थोड़ा सा एडवांस लेके जाते हैं, मीन्स इंटरमीडिएट एडवांस नहीं कह सकते क्योंकि ये सिंपल प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो देन यहाँ पर इस टाइप का कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर मैं
इसका कलर आई थिंक मुझे व्हाइट रखना चाहिए, क्योंकि ब्लैक आने पर ब्लैक ब्लैक गायब हो रहा है। तो वेरी नेक्स्ट वन यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर कलर रख लेंगे, कलर वाइट, सॉरी WH, हाँ वाइट आ चुका है। थोड़ा सा टेक्स्ट शैडो भी रख देंगे, ठीक है, तो हमें एक अच्छे से दिखे। तो इसको 5 पिक्सल 10 पिक्सल एंड RGB ए ग्रे कलर। अब ये हर चीज़ में हमें दिखेगा एंड ये सिलेक्ट हो रहा है मैं क्लिक करने पर। तो मैं इसको क्या करूँगा, यूजर सिलेक्शन वन, देन ये सिलेक्ट नहीं होगा एंड ये अच्छे से काम करना लगा है, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकेंड पेज में, इसमें करेंगे क्या, इसमें जितना भी हमने कलर डिफाइन किया यहाँ पर एरे में, ठीक है, तो इन सब के नाम का एक बटन को बनाएंगे, ठीक है। और मैनुअली इतना बटन नहीं बनाएंगे हम, जावास्क्रिप्ट से बटन बनाएंगे जो एरे को मीन्स इतना कलर है उतना बटन जनरेट कर दे, हम सिर्फ एक बनाएंगे तो एक से ये इतना सारा खुद जनरेट हो जाएगा। तो आएंगे हम यहाँ पर सेकेंड फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, इसको लास्ट में ही रहने देते हैं। एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन क्रिएट बटन, ठीक है, तो बटन क्रिएट हो रहा है यहाँ, ऑल राइट। तो बटन हम इसमें क्रिएट कैसे करें, ठीक है, तो करना क्रिएट कैसे करना है, नॉर्मल कॉन्स्ट, ठीक है, बटन हम यहाँ पर इक्वल टू डॉक्यूमेंट जैसे सिलेक्ट करते कोई भी एलिमेंट को, ठीक है, उसी तरह से यहाँ क्रिएट भी कर सकते, क्रिएट एलिमेंट एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, बटन कंट्रोल एस, ठीक है, एंड मुझे यहाँ इसको कहीं पे अपेंड भी करना होता है। बटन क्रिएट हो चुका है, देन बटन को अपेंड कहाँ करें, ठीक है, जो हमने पेज टू बनाए वहाँ पर अपेंड करेंगे। सो पेज, और हमने यहाँ पर वेरिएबल में क्या नाम दिया था, सेकंड पेज, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर हम इसको अपेंड करेंगे कंट्रोल वी डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पर हम DUTTN बटन को अपेंड करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग को यहाँ बटन नहीं दिख रहा होगा, बट हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा बटन आ गया होगा। तो पेज टू, ओ हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया तो बटन आएगा कहाँ से, तो लिटिल मिस्टेक। तो यहाँ पर तो आप देखेंगे हमारा बटन आ गया होगा यहाँ पर बटन, ठीक है, खाली सा बटन आ चुका है, तो यहाँ पेज में निकला क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं। तो इसके अंदर कुछ डालते हैं, क्या डालेंगे हम यहाँ पर, इन कलर को डालेंगे, ठीक है। तो कलर को डालने के लिए हम क्या करेंगे, अपेंड को बाहर रखेंगे एंड इसको कंट्रोल एक्स, जो हमारा एरे है, तो कलर एरे डॉट फॉर ईच, ठीक है, और इसमें कॉल बैक BTN वैल्यू, और इसमें एरो फंक्शन, ठीक है। देन जो हमने कट किया था यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, देन जो हमारा बटन है उसमें डॉट इनर टेक्स्ट जो होगा वो इक्वल टू BTN वैल्यू होगा, ठीक है, तो BTN वैल्यू हो चुका है एंड उसके बाद एक मिनट, ओ सॉरी, इसको भी आई थिंक इसके अंदर ही रखना पड़ेगा, इससे बटन हमें दिखेगा। देख लेंगे यहाँ पर आ चुका है इतना सारा चीज, बट बटन ठीक से नहीं बना, आई थिंक BTN बटन बन चुका है, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके देखेंगे, तो हमारा बटन बन चुका है। तो यहाँ पर हमने एक TXT रख दिया इसलिए हमारा बटन बन के आ नहीं रहा था। आप देखेंगे हमारा बटन बन चुका है अच्छे से, थोड़ा सा हम ऊपर आएंगे, थोड़ा सा पूरा ऊपर आएंगे स्टाइल के टैग के अंदर एंड बटन को थोड़ा सा स्टाइल रख लेंगे, पैडिंग 10 पिक्सल 10 से टॉप एंड बटन से 10 एंड लेफ्ट हैंड से 30 पिक्सल, ठीक है। फोन साइज 1.3 रैम एंड थोड़ा सा मार्जिन भी इसमें रखी लेंगे, मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है, तो 10 आई थिंक कुछ ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा सा कम 5 पिक्सल, ये सही है। तो इंस्पेक्ट को हटाते हैं हम यहाँ से, ठीक है, तो आप ऊपर रहिए सेकेंड पेज प्लीज एंड देन सब कलर को, सब बटन को वही कलर देंगे जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है ऑरेंज, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, वो कैसे करें, ठीक है, तो इसमें हम इनर टेक्स्ट डाल सकते हैं, तो स्टाइल भी आई थिंक डाल ही सकते हैं, कंट्रोल जेड एंड जो हमारा बटन है, ठीक है, उसका स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर क्लिप नॉट बैकग्राउंड
कॉलर पी ओ एल ओ आर ठीक है इक्वल टू वही सेम बी टी एन वैल्यू। तो अमेजिंग आ चुका है सब चीज़ ठीक है, एंड ये दोनों में हमारा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। आई थिंक हम यहाँ पर टेक्स्ट अगर वाइट कर दें देन सब में दिखेगा, टेक्स्ट वाइट में टेक्स्ट का कलर वाइट कर दें तो सब में दिखने लगेगा ठीक है। तो दिख चुका है और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म रख देते हैं, कैपिटलाइज बॉर्डर को नन कर देते हैं, एन ओ एन ई नन, कर्सर पॉइंटर, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो तभी ब्लैक था तो दो तीन बटन में ब्लैक कलर का टेक्स्ट नहीं दिख रहा था, बट अभी हमने व्हाइट किया तो व्हाइट कलर का टेक्स्ट नहीं दिखा है। तो सोल्यूशन है टेक्स्ट शैडो, हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो आ चुका है 10 पिक्सल 20 पिक्सल कौन सा कलर दे, ब्लैक में ब्लैक तो नहीं, व्हाइट में व्हाइट नहीं, रेड में रेड नहीं, अभी तो ब्लैक ही दिखेगा। सो कलर 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 सोचो, रेड ग्रे दो कलर यहाँ पर दिए हैं, आर जी बी ए 0.0.0 इसमें भी 0.58 ठीक है। तो लगभग सारा कलर दिख रहा है बट मुझे येलो नहीं दिख रहा है, येलो में मैंने वाई एल एल ओ ही डिफाइन किया है ना, तो मुझे ई एल एल ओ सिर्फ दिख रहा है, फिर येलो तो दिख तो रहा है। देन हम इसमें कर क्या सकते हैं जो हमें, तो इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है बट एक मिनट इसको यहाँ पर देख लेना है एंड ठीक है। तो जल्दी से यहाँ से हम स्टाइल और सी एस एस में आएंगे, हम इसको फिल्टर भी नहीं कर सकते एंड पिंक स्पेसिंग वाइट ओपेसिटी कम करके देखें तो ओपेसिटी एकदम सभी का कम होगा, एक चीज़ का तो नहीं होगा ठीक है। देन टेक्स्ट शैडो काम नहीं कर रहा है, देन इसको हम कम कर देते हैं थोड़ा सा, पहले से ज़्यादा दिखने को लगा है। देन इसमें कलर थोड़ा सा डिफरेंट रख दे, रेड ब्लू ड्रोलेस तो सही दिख रहा है लगभग ठीक है। तो बटन से हम समझ जाएंगे, टेक्स्ट पे उसे फोकस नहीं करते, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें करना क्या है, जैसे मैं रेड पे क्लिक करूँ ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर पेज का रेड हो जाएगा, ऑरेंज पे ऑरेंज, ब्राउन पे ब्राउन ठीक है। तो इसको कैसे करें, सिंपली वही फंक्शन के अंदर आएंगे एंड इससे नीचे आएंगे, अपेंड होने के बाद जो हमारा बटन है ठीक है, तो बटन में एड इवेंट लिस्नर लगाएंगे एंड क्लिक इवेंट लिस्नर, देन और कुछ नहीं, यहाँ पर कलर चेंज होना चाहिए, मैं यहाँ पर कॉल बैक ठीक है, देन किस चीज़ का कलर, सॉरी पेज टू का कलर ठीक है। तो सेकेंड पेज का कलर मेरे इसी को फेसबुक बोला जाता है ठीक है, इसका स्टाइल है ठीक है, उसमें बैकग्राउंड कलर है, एज ए बैकग्राउंड कलर इक्वल टू क्या करें, जो बटन का कलर है वो, तो बटन का इनर टेक्स्ट ठीक है, तो बटन का डॉट इनर टेक्स्ट, तो ये काम करेगा रेड ऑरेंज ब्राउन पिंक येलो, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। देन यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, अगर बटन डॉट टेक्स्ट ना रख के ठीक है, डायरेक्ट बी टी एन वैल्यू रखूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी जस्ट फॉर द इंस्पेक्शन, ये काम करेगा इसमें। देन रेड ऑरेंज फिर से रेड ग्रीन नेवी ब्लू, नेवी ब्लू काम नहीं कर रहा है, डार्क ब्लू काम कर रहा है, बट नेवी ब्लू क्यों नहीं काम कर रहा है, तो नेवी ब्लू आई थिंक ये नेवी होगा, नेवी तो इससे भी तो सेम काम कर रहा है, येलो पे येलो टर्क्यू ब्लू ब्लैक रेड ठीक है। तो मैं चेक करना चाहता ये काम कर रहा है, बट ये काम अच्छे से कर रहा है, बट सॉरी
बट क्या, बट यहाँ पर बटन डॉट वैल्यू, सॉरी बटन डॉट इनर टेक्स्ट ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें किस चीज़ का वैल्यू चाहिए जो बटन के अंदर कलर डिफाइन हुआ है उसका। तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिए, फेस पे क्लिक करने का बटन हो रहा है, मिस कलर चेंज हो रहा है बैकग्राउंड कलर, एंड इस जिस बटन पे जो कलर हमने डिफाइन किया है वो भी यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सिंपल सा प्रोजेक्ट था, इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चले, सेकेंड फेज के अंदर इसको डिफाइन किया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में सेम तरह का प्रोजेक्ट लेकर, ठीक। तो अभी हमारा सिंपल प्रोजेक्ट में, बेसिक प्रोजेक्ट में लास्ट चीज़ बाकी रखते हैं, 10 प्रोजेक्ट लिंक हाईलाइट, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट। तो इसमें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज़ होगा इन बेसिक प्रोजेक्ट के अंदर में, ठीक है। तो हम 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद एक खुद से ही एक नया प्रोजेक्ट डिफाइन करेंगे बेसिक, जिसमें अभी तक जितने भी हमने यूज़ किया है 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद, जितने भी उसमें माउस इवेंट का यूज़ किया है, ओवर आउट इंटर क्लिक, सबको एक कंबाइंड प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट में अंदर चलेंगे। तो चलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।